सीमा हैदर के भारत आने से पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर खतरा मंडराने लगा है। जिहादी कट्टरपंथियों ने सिंध के काश्मीर में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। हमलावरों ने गौसपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक पूजा स्थल और आसपास के समुदाय के घरों पर हमला किया है। उन्होंने ना सिर्फ मंदिरों को निशाना बनाया बल्कि अंधाधुंध गोलाबारी भी की। देखिए रिपोर्ट। सीमा हैदर की भारत आने की खबर पाकिस्तान को लगी है, तब से लगातार जिहादी कट्टरपंथी वहां के हिंदुओं को और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। कभी जिहादियों द्वारा हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है, तो कभी उनके घरों में लूटपाट कर भागने की गीदड़ भपकी। सीमा हैदर की भारत आने की कीमत पाकिस्तान के हिंदू चुका रहे हैं। कराची में रात के घने अंधेरे में हिंदू मंदिर पर हमला। हिंदुओं का 150 साल पुराना मंदिर जिहादियों ने गिराया। मंदिर पर जिहादियों ने किया रॉकेट लॉन्चर से हमला। सिंध में 30 हिंदुओं को बनाया जबरन बंधक। सीमा हैदर सिंध प्रांत की राजधानी कराची की रहने वाली है। वो सचिन नाम के एक भारतीय युवक के प्यार में पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। सीमा पाकिस्तान से पहले संयुक्त अरब अमीरात और बाद में नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर घुसी। उसके भारत आने के बाद पाकिस्तान हिंदुओं को कट्टरपंथियों ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। कट्टरपंथियों ने कहा कि अगर सीमा हैदर को भारत ने वापस नहीं किया तो पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले किए जाएंगे। ऐसे में कराची के सोल्जर बाजार इलाके में मौजूद मीरा माता मंदिर को गिराने की घटना का कनेक्शन सीमा हैदर की भारत में घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। कराची में गिराया गया हिंदू मंदिर 150 साल पुराना है। इस मंदिर के प्रबंधन का काम स्थानीय मद्रासी समुदाय करता था। सीमा हैदर के सामने आने के बाद से जिहादी लगातार धमकियां मिल रही थी। मंदिर के पुजारी जब सुबह पहुंचे तो उन्हें गेट और बाहरी दीवार के अलावा कुछ नहीं मिला। हमलावरों ने मंदिर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सिंध में एक और हिंदू मंदिर पर रॉकेट हमला। सिंध के काश्मीर में हिंदू पूजा स्थल पर हमला। अंधाधुंध गोलाबारी से दहशत में है पाकिस्तानी हिंदू। स्थानीय SSP जैमो का कहना है कि इस हमले में 8 से 9 जिहादी कट्टरपंथी बंदूकधारी शामिल थे। इस घटना से स्थानीय हिंदू निवासियों में दहशत है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मानव अधिकार आयोग ने सिंध के काश्मीर और घोटकी जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था की रिपोर्ट पर अपनी चिंता जताई है। ऐसे में आगे देखना होगा कि पाकिस्तान सीमा हैदर की आड़ में किस हद तक गिर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।